नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका दिव्यांग न्यूज चैनल के मुलाकात कार्यक्रम में। मुलाकात एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर हम विशेष व्यक्तियों को बुलाते हैं हमारे स्टूडियो में और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। तो ऐसे इस कार्यक्रम में, मुलाकात के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े हैं स्वामी महेश योगी जी। तो स्वागत करते हैं सर आपका हमारे इस प्रांगण में। इन स्वामी जी की मैं बात करूँ तो स्वामी जी अयोध्या से हैं और वहाँ पर एक संस्थान चला रहे हैं दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट के नाम से, जहाँ पर बच्चों को, खास करके दिव्यांग बच्चों को कुछ खास परीक्षण देते हैं। योगा, कला, संगीत, अलग अलग क्षेत्र में एक थेरेपी के रूप में, जैसे उनकी अंदर की जो शक्ति है वो उसको ज़्यादा निखार देने के लिए उन पे काम करते हैं। तो स्वामी महेश जी से मैं पूछूंगा कि आप स्वामी कैसे बने। सबसे पहला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि महेश स्वामी, महेश योगी कैसे बने। एक्चुअल मैं 14 वर्ष की उम्र में ही बिल्कुल मेरा रास्ता अलग हो चुका था। मेरी धारणा समाज से जुड़ चुकी थी और समाज के लिए काम करने की चेष्टा थी। तो 14 वर्ष की उम्र में ही मैंने अपने घर को छोड़ करके अयोध्या आ गया। और अयोध्या जब जो है हनुमान जी के सानिध्य में रह करके मैंने योग साधना और दीक्षा लेना प्रारंभ किया तो पूरा परिवेश बदल गया। और अयोध्या में ही उस समय आने के बाद मुझे बहुत सारे दिव्यांग बच्चों से मेरी मुलाकात हुई। मैं उस स्कूल में पढ़ा भी रहा था तो उनका बिल्कुल हार्डली अटैचमेंट हो गया। तो जब वो सब बच्चे मेरे साथ जुड़ गए और हनुमान जी का सानिध्य प्राप्त हो गया और उनके सानिध्य मैंने योग शुरू कर दिया तो बिल्कुल आवरण जो है एक आध्यात्मिक और दिव्य हो गया। तो ऐसा आपने जैसे बताया कि 14 साल की उम्र में आपको ऐसा विचार आने का कोई खास वजह? खास वजह ये थी कि शुरुआत में ही हम जब बहुत बचपन में छोटे थे तो हम अपने आवरण में आसपास के लोगों को इकट्ठा करके अच्छे अच्छे जो है आयोजन करना, धार्मिक आयोजन करना, उसके बाद कोई भी बीमार हो गया तो उसके हेल्प में उसका ट्रीटमेंट करना, ये सब बचपन की क्रियाएं थी जो धीरे 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 मन और मस्तिष्क में चलती गई और उसका विस्तार बढ़ता गया। तो समाज से आप पहले से रुचि रखते हो सामाजिक कार्यों में? ये बचपन से मेरी रुचि रही है। आपकी रुचि रही है जो अब धीरे धीरे थोड़ा सा रास्ता और उसका प्रशस्त होता गया। अच्छा, रीजन, मैं शुरू से चित्रकार था, बचपन से ही चित्रकारिता मेरी रुचि थी और उसके बाद साधना। तो साधना और चित्र बनाना, चित्र भी बनाना एक साधना ही होता है, चाहे संगीत की हो, चाहे योग की हो या कला की हो, वो साधना है। और जब व्यक्ति साधना के परिप्रेक्ष्य में आता है तो वो ईश्वर का स्मरण करता है, उसके आवरण में सत्य होते हैं। तो जब सत्य की साधना होने लगती है तो कोई काम नहीं रह जाता, बस केवल ईश्वर के जो है पदचिन्हों पर चलना और समाज का सेवा करना ही शेष बचता है। तो उसके लिए ये वस्त्र धारण कर लेना बहुत आसान चीज़ हो जाती है क्योंकि जब तक वो मेरे आवरण में वो चीज़ नहीं आती है तब तक इस वस्त्र को धारण करना भी आसान नहीं होता है। तो किस उम्र में आपने इस वस्त्र को धारण किया? 14 वर्ष की उम्र में मैंने ये संकल्प ले लिया था कि मुझे इस विधा में जाना है और मैं घर से निकल पड़ा और अयोध्या करके मैंने 16 वर्ष की उम्र में ही इस वस्त्र को धारण कर लिया। क्या बात है। तो इस 16 वर्ष की उम्र में आपने वस्त्र तो धारण कर लिया, आपने एक सोच बनाई, एक मन बनाया कि मुझे समाज के साथ में जुड़कर लोगों के लिए कुछ काम करना है। तो इसके आगे कैसे रही आपकी यात्रा? मेरी ये आध्यात्मिक यात्रा और मेरी एजुकेशनल फील्ड दोनों साथ साथ चलता रहा। आप पढ़ाई भी करते थे? सर, पढ़ाई भी करता रहा साथ साथ में, क्योंकि मैं जीवन में अपने छोटे से अभी जो है लाइफ में मैं शिक्षक भी रहा, योग प्रशिक्षक भी रहा, बहुत सारे विधाओं में काम किया। मेरे बहुत सारे बच्चे जो है ब्लाइंड हैं, मूक बधिर हैं, उन्होंने वो विश्व ख्याति को अर्जित किया, विश्व रिकॉर्ड तक बनाया, उनका मैं उनको प्रशिक्षण देता रहा। लेकिन स्वयं में मैं अब भी, मैं अपने नाम के पास जरूर स्वामी लगाता हूँ लेकिन अभी मैं अपने आप को विद्यार्थी ही मानता हूँ। क्या बात। क्योंकि होता क्या है, भले ही मैं एक मेरे से मोटिवेट एक बच्चा होता है और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है लेकिन उस बच्चे से मुझे भी कुछ सीखने को मिलती है। तो ये थिंक, कुछ ना कुछ सिखा के तो ये थिंक होती है।
ये अभी मेरे अंदर वो विद्यार्थी का जो है पूरी अभिव्यक्ति जिंदा है और मैं आजीवन जिंदा रखना भी चाहता हूँ। तो दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट की बात करें, जो जो संस्था आपने जिसकी स्थापना की है उसमें बहुत अच्छे कार्य आप करते हो, तो ये कब स्थापना हुई उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि उसमें करते क्या हुआ। दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट जो हमारा है वो 2015 में मैंने उसकी स्थापना किया अयोध्या में। उसके पहले करीब 10 साल से मेरी यात्रा चल रही थी, तो मेरे विद्यार्थियों ने बहुत पुरुषार्थ किया। 2010 में जब मैं पीजी क्वालिफाई किया फाइन आर्ट से, उसके बाद मैंने रिसर्च के लिए अप्लाई किया। मेरा पीएचडी में जब हो गया और 2 साल मैंने थीसिस 2012 में तैयार कर लिया। उस बीच मैं अयोध्या के ही एक कॉलेज में गया, समाज सेवा नाम का विद्यालय है वो, जहाँ बहुत बिग फैमिली के बच्चे, हैंडीकैप्ड बच्चे पढ़ते हैं। तो मैंने वहाँ 1 साल पढ़ाया और उसके बाद जब वो बच्चे मैं वहाँ से छोड़ करके आने लगा अपनी पीएचडी के लिए, तो सारे बच्चे बिल्कुल नर्वस हो गए कि मुझे तो अब नहीं, साथ में चलना है। तो उस सिचुएशन में मैंने अपनी पीएचडी को ब्रेक कर दिया। इसके बीच में एक सवाल पूछूंगा कि मैं थोड़ी सी जिज्ञासा है मुझे कि आप पीएचडी की जो थीसिस तो किस पे कर रहे थे? मेरा पीएचडी जो था वो भगवान राम पर था, विभिन्न युगों में श्री राम कथा का चित्रांकन अयोध्या नगरी के विशेष संदर्भ में। ये मेरी टॉपिक थी कि भगवान राम, भगवान कृष्ण पे, भगवान बुद्ध पे दुनिया ने बहुत सारी चित्रकारी की, तो मैं उसका एक संग्रह करना चाह रहा था कि त्रेता युग में चित्रांकन कैसा था, द्वापर में कैसा था, कलयुग में क्या चल रहा है, हमारे अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में भगवान राम को लेकर के कैसी चित्रकारियाँ होती हैं, उसका संग्रह मैं कर रहा था। और उसकी थीसिस भी मैंने करीब 300 पेजेस की तैयार की। क्या बात है। लेकिन मैं उसको सबमिट नहीं कर सका, और ना सबमिट करने के बाद ही मुझे इस गर्व की अनुभूति इसलिए होती है कि मैं जिन अपने उस आर्थिक स्थितियों बस अपनी जो है थीसिस को रोक करके जिन बच्चों को लेकर के काम करना शुरू किया, जिन दिव्यांग बच्चों को लेकर के, आज उसमें से मेरे 27 बच्चे विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं। तो ये मेरी पीएचडी से बहुत कई गुना, मुझे लगता है कि मुझे 27 पीएचडी प्राप्त हो गई है। आपकी संस्था के माध्यम से कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं, तो थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताएं कि किन किन क्षेत्र में आपने जो रिकॉर्ड बनाया है और किस रिकॉर्डों को तोड़ा है। मैं अयोध्या में जब आया, मेरी जब शिक्षा पूरी हुई तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ अयोध्या में ही, और वहाँ देवेंद्रावती पीजी कॉलेज से मैंने जो है ड्राइंग की शिक्षा देना शुरू किया। और मेरी खुद की संस्थान अयोध्या में दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट में बहुत सारे बच्चे रहते थे, जितने भी आसपास के बच्चे, जितने भी प्रतिभावान बच्चे होते हैं जिन्हें कोई आर्थिक अभाव है या जिसे कोई रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं और उस बच्चे के अंदर प्रतिभा है, या कोई दिव्यांग प्रतिभा है ऐसी जो जिसे कोई सपोर्ट नहीं है, मैंने उन सबको अपने पास ले लिया। और रीज़न क्या था कि उस बीच में मेरे पास इतना थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया तो मैं कॉलेज को देख नहीं पाता था। मैं 2-3 साल वहाँ पढ़ाया, उसके बाद कॉलेज को रिजाइन कर दिया और पूरी तरह से इन बच्चों के प्रति समर्पित हो गया। लेकिन रीज़न क्या था कि मैं सोचता था कि मुझे भी नया करना है, और बच्चे भी सोचते थे कि मुझे लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो मुझे भी एक ऐसा अपना प्रदर्शन करना है कि वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने 6-6 घंटे 8-8 घंटे पर डे पेंटिंग करना शुरू किया। जब पेंटिंग में हमारे विद्यार्थियों ने काम करना शुरू किया, क्योंकि बच्चे मेरे ऐसे थे, डिसेबल बच्चे थे, तो लंबा काम नहीं कर सकते थे, तो हम लोग उनको थेरेपी करते थे, ट्रीटमेंट देते थे कि उनकी जैसे पैरालिसिस बच्चा है तो उसका जो है कौन सा पार्ट कैसे एक्टिव होगा उसके लिए काम करना। तो उसमें कहीं ना कहीं योग और चित्रकारी और संगीत, ये तीनों माध्यम मेरे बहुत जो है उनको पावरफुल बनाने में सहयोगी बने। योग से उनका मस्तिष्क मैंने केंद्रित किया, जब वो पेंटिंग करना शुरू करता है बच्चा तो उसे एक आनंद की अनुभूति होती है, तो अपने दुख, अपने गम, अपने दर्द को भूल जाता है। और जब वो एक म्यूज़िक पे, एक किसी भी संगीत पे थिरकन लाता है अपने अंदर, तो उसे जो आनंद की अनुभूति होती है वो अपने सारे कष्टों को भूल जाता है। तो व्यक्ति वही पुरुषार्थी हो सकता है जिसके मस्तिष्क में केवल आनंद हो। तो उन बच्चों ने उस सारी चीज़ों को भूल करके आनंद को स्वीकारा, और आनंद को स्वीकारने के बाद एक नया रास्ता प्रशस्त किया। मेरा उद्देश्य ये था कि जब व्यक्ति एक खींची हुई एक सीमा को क्रॉस करके आश्चर्य की सीमा में कदम रखता है तो वो प्रेरणा स्रोत होता है, क्योंकि
जब तक हम नॉर्मल चलते रहते हैं मेरा कोई अस्तित्व नहीं होता है, जब हम उस सीमा को पार करते हैं तो मेरा अस्तित्व होता है। तो मैंने विद्यार्थियों को ये शिक्षा दिया कि आप ऐसा करो कि उस सीमा को पार करके आप आश्चर्य की सीमा में जाओ, और विद्यार्थियों ने उसको स्वीकारा। और मुझे गर्व होती है ये कहते हुए मुझे कि उन विद्यार्थियों ने इतना पुरुषार्थ किया है कि पूरी दुनिया को चुनौती दिया। आज दिव्य भारत निर्माण ट्रस्ट 51 विश्व रिकॉर्ड बना चुका है, जो विविध क्षेत्रों में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में भारत की पहली संस्था बनी है। मेरी संस्था कोई सपोर्ट नहीं है, कोई किसी का सपोर्ट नहीं है, बस आप जैसे लोगों का जो उनके प्रति सहृदय अपनी आस्था रखते हैं, उन बच्चों के प्रति अपना प्यार रखते हैं, उन सब के प्यार आशीर्वाद से लेकर के बच्चों ने इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है। और ऐसा पुरुषार्थ नहीं है चुनौतियों को लेकर के कि अगर मैं संगीत की दुनिया में हूँ तो मेरा लक्ष्य आदरणीय लता मंगेशकर जैसा होना चाहिए, अगर मैं योग की दुनिया में हूँ तो श्री श्री रविशंकर जैसा, स्वामी रामदेव जैसा, महर्षि पतंजलि जैसा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, अगर मैं आध्यात्म की दुनिया में हूँ तो मेरे आइकन स्वामी विवेकानंद जी होने चाहिए। ये पुरुषार्थ बच्चों ने लिया और मैंने जिस विधा में जिसकी रुचि थी उसके अकॉर्डिंग उनको दीक्षा दिया, उसके अकॉर्डिंग जो है उनको मैंने पुस्तकें उपलब्ध कराई और उसी विधा में बच्चा काम करता गया। और आज जब मुझे ये आनंद की अनुभूति इसलिए होती है कि 21,000 पेंटिंग हमारे विद्यार्थियों ने बना करके दुनिया की सबसे बड़ी चित्र श्रृंखला बनाई है। क्या बात। और उनके साथ साथ देखिए यही होता है पुरुषार्थ, उनके साथ साथ मैं भी काम करता था, इसलिए कि मैं काम कर रहा हूँ तो बच्चा काम करेगा, वो विद्यार्थी काम करेगा। उनके साथ साथ करीब 11,000 से अधिक पेंटिंग्स मैंने बनाई, इंडिविजुअल मेरा रिकॉर्ड सबसे अधिक पेंटिंग्स बनाने का हो गया। तो ये पुरुषार्थ एक दूसरे को जोड़ती हैं, यही विद्यार्थी होता है, मैंने उनसे सीखा, उन्होंने मुझसे सीखा। योग के क्षेत्र में भी कुछ खास रिकॉर्ड बनाया आपने? योग के क्षेत्र में मैंने योग मैराथन किया, मेरा पहला रिकॉर्ड मैंने कनाडा का ब्रेक किया था 51 घंटे योग मैराथन करके। उसके बाद अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया मैंने 76 आवर योग मैराथन करके। और कभी कभी होता क्या है कि समाज में बहुत भ्रांतियाँ होती हैं, ये समाज कहीं ना कहीं कभी कभी गुमराह भी कर देता है, जितना हम लोग को मोटिवेट करते हैं समाज में भ्रांतियाँ भी होती हैं, लेकिन जो पुरुषार्थी होता है, जो योग साधक होते हैं, जो लोगों के लिए अच्छे काम करते हैं, उन्हें इन भ्रांतियों से बचना चाहिए कि अगर वो भ्रांति में आ जाते हैं तो, क्योंकि वो एक लोग उनको देखते हैं, वो लोग उनसे कुछ सीख लेते हैं, तो उस स्थिति में वो अगर भ्रमित हो जाता है व्यक्ति तो समाज और भी जो पथ भ्रमित हो जाता है। तो ऐसे योग को लेकर के बहुत धारणाएँ थीं, कपालभाति को लेकर के, खास करके कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम है जो सभी अष्टांग योग में महर्षि पतंजलि ने 8 प्राणायामों का जिक्र किया है, उसमें कपालभाति को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रखा है। हमारे मस्तिष्क को चमका देने वाला, हमारे शरीर के सारे विषैले पदार्थों को दूर कर देने वाला, हमें अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने देने वाला, हमारी आज्ञा चक्र को, हमारे सहस्रार चक्र को जागृत कर देने वाला कपालभाति प्राणायाम, जिसकी हमारे आध्यात्मिक जगत में इतनी बड़ी महत्व है, हमारे जीवन में इतनी बड़ी महत्व है कि हमें बिल्कुल एक कपालभाति प्राणायाम मुझे आरोग्य बना सकता है, हमें परमात्मा से जोड़ देता है, और उसके बारे में इतनी भ्रांतियाँ ये लंबे समय तक नहीं कर सकते। मैंने पहली बार जो अपने जन्मस्थली पर इसको कार्यक्रम को रखा 13 घंटे के लिए, और 13 घंटे में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ, क्योंकि मेरे पहले 2.5 घंटे का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उसके बाद मैं श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के निर्देशन में मेरा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ पतंजलि के द्वारा कोटा में, तो कोटा में मैंने जो है 21 घंटे का मेरा कार्यक्रम रखा गया, तो मैं उसको बढ़ाना चाह रहा था, भ्रम को तोड़ना चाह रहा था, तो मेडिकल ने मुझ पर बैन लगाया कि नहीं, इतने लंबे समय तक नहीं होना है। फिलहाल मैं 23 घंटे 10 मिनट तक कपालभाति को तोड़ दिया, उसमें 2.5 लाख कपालभाति हुई थी, और फिर भी मेरा हृदय उसको स्वीकार नहीं कर रहा था। इसलिए नहीं स्वीकार कर रहा था कि जब तक व्यक्ति के अंदर ये विश्वास ना हो जाए इसमें कोई भी बाधाएं नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ऊर्जा देती है, तब तक करना चाहिए। तो फिर मैंने इसको दोबारा उसके अंदर जो क्रिया करने में जो एक तो मजा भी आना चाहिए और उससे फायदा भी होना चाहिए। तो देखिए रीजन क्या है ना कि जिस चीज को हम अपनी अनुभूति मान करके आनंद की सीमा में उतर जाते हैं तो वहां सब दिव्य हो जाता है। तो फिर मैंने 51 घंटा किया और 51 घंटे के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेक लगा दी।
तो फिर मैंने उसको ब्रेक कर दिया, 51 घंटे 5,50,812 मेरी कपालभाति क्रिया हुई थी। और उसके बाद जब मेरी बहुत सारी मेडिकल एजेंसीज थी वहाँ पे, सब ने चेकअप किया, सब कुछ मेरा पॉजिटिव था। तो ये मेरे योग की शक्ति है। हम योग से जो है पूरी दुनिया पे में विश्व गुरु कहे जाते हैं। आज हमने योग को थोड़ा सा डोमिनेट किया तो हमारी स्थिति बहुत पीछे हो गई। लेकिन अब इस 21वीं सदी में मेरा भारत पूरा जग चुका है और योग की तरह प्रशस्त हो गया है, तो निश्चित ही वो दिव्यता आएगी और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि मैं तो करता हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे विद्यार्थियों ने भी उस पुरुषार्थ को चरितार्थ किया है। अभी हाल में ही मेरा एक विद्यार्थी 36 घंटे सूर्य नमस्कार, अनवरत 36 घंटे सूर्य नमस्कार किया, 21,600 बार सूर्य नमस्कार किया है। एक मेरा बहुत छोटा सा साधक है, अभी उसने डिप्स लगाने में अभी किसी को 100-200 डिप्स लगाने पड़ते हैं तो हालत बिगड़ जाती है। वो कंटिन्यू 17 घंटे डिप्स लगा करके 25,000 पुशअप लगा करके विश्व रिकॉर्ड बना करके पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऐसे कई बच्चे जो मेरे हैं जो एडवांस आसनों में चाइना अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि बच्चा डिसेबल भी हो और वो इतना पुरुषार्थी भी हो तो ये संभव कैसे होता, लोग मुझसे पूछते हैं। लेकिन मेरी धारणा ये है, मैं मानता ये हूँ, हम सभी दिव्यांग हैं। वो रीज़न क्या होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा मस्तिष्क एक्टिव होता है, मस्तिष्क मुझे कराता है। शरीर को आप छोड़ दीजिए, दिव्यांग शरीर हो सकता है, जो है विकलांगता हमारे शरीर में आ सकती है, लेकिन मस्तिष्क में दिव्यता होनी चाहिए। और जब हमारे मस्तिष्क में दिव्यता होती है तो हम सब कुछ भूल करके जो सोचते हैं वही हमारा लक्ष्य होता है और उसी को हम प्राप्त करते हैं। तो उस साधना को हमारे बच्चों ने भी पुरुषार्थ किया है। चाहे अभी मेरी 2 बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको पैरालिसिस था, वो ऑन बेड करीब 6-7 सालों से थी, लेकिन उन्हें कभी स्वीकारा नहीं कि मैं विकलांग हूँ। उन्होंने सोचा कि मैं तो दिव्य हूँ, मेरे अंदर दिव्य आत्मा का वास है। और वो कंटिन्यू उन लोगों ने योग किया, चित्रकारी की, और आज हमारी वो बेटियाँ 6-6, 7-7, 8-8 घंटे कथक करती हैं। भारत सरकार से, राज्य सरकार से उनको सम्मानित किया जाता है। तो ये उनका पुरुषार्थ है। इससे 2 चीज़ें, एक तो उनका आत्मबल बढ़ा, दूसरा वो समाज के लिए उनकी एक प्रेरणा हो जाती है कि वो बच्चे देख करके उस तरह से करेंगे, और तीसरा इससे हमारे भारत का पूरी दुनिया में यश प्रतिष्ठित होता है। दिव्यांग बच्चों के साथ काम करते हुए कैसा महसूस हुआ, उनमें ऐसी क्या प्रतिभा, ऐसी क्या खास बात है कि ये क्षति के बावजूद उनमें जो प्रतिभा है कुछ अलग है, कुछ खास है? रीज़न ये होता है कि जब हम पूर्ण रूप से समर्थ हैं और कुछ ना कर सकें तो मैं फिर वही कहूँगा कि विकलांग मैं, कि सब कुछ मैं समर्थ हूँ लेकिन कुछ नहीं कर सकता हूँ। और व्यक्ति पूरे शरीर से क्षतिग्रस्त हो और वो समाज को कुछ दे सकता है, समाज के लिए अच्छा सोच सकता है, समाज के लिए अच्छा पुरुषार्थी बन सकता है, समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है, तो वही दिव्य है और वही दिव्य आत्मा है। क्योंकि रीज़न क्या है कि हमारी जो आत्मा है, हम जिस चीज़ को धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं, वैसे ही हमारा चरित्र होता है, वैसे हमारी बुद्धि होती है। अगर हम गलत काम करते हैं तो हम पाप आत्मा हैं, अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हम पुण्य आत्मा हैं, अगर हम बहुत अच्छा काम करते हैं तो हम धर्म आत्मा हैं, अगर हम और अच्छा काम करते हैं तो महात्मा हैं, अगर हम और अच्छा काम करते हैं तो हम दिव्य आत्मा हैं, अगर हम और अच्छा काम करते हैं तो हम देव आत्मा हैं, अगर हम और अच्छा काम करते हैं जिसके पास कोई विकार ही न बच जाए तो वो परमात्मा हो जाता है। तो ये श्रृंखलाएँ बढ़ती हैं। तो ये बच्चों को जो आज आदिक शब्द मिला है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, दिव्य आत्मा, अब आप सोचिए कि कितनी श्रृंखलाओं को पार करके वो दिव्य आत्मा में पहुंच गए। अब दिव्य आत्मा के पास बस देव आत्मा और परमात्मा होते हैं। तो वो व्यक्ति जो भले ही शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन वो एक दिव्य आत्मा है, वो एक आम आत्माओं से बहुत ऊपर उठ चुका है। अब उसके ऊपर केवल देवताओं का और परमात्मा का संरक्षण है, तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है? तो अगर हमारे बच्चे उस पुरुषार्थ को पा रहे हैं तो मैं तो स्वयं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझे ये कार्य करने का अवसर प्रदान किया है। तो आपकी जो संस्थान है, उस संस्थान में जो बच्चों को जैसे आपने बताया कि थेरेपी के माध्यम से काफ़ी कुछ आप उसका उनके प्रतिभा को निकाल दे रहे हो, इसके अलावा रूटीन में क्या क्या, मतलब क्या पढ़ाई होती है? मेरे अलग अलग स्कूलों में पढ़ने जाते हैं,
उनको सारी जैसे जो उनकी डेली की क्लासेज होते हैं 9, 10, 11 जो है UGPG सारे, बहुत सारे बच्चे मेरे गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। क्या बात, दो ती, तीन बच्ची बेटियां मेरी ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटी अयोध्या यूनिवर्सिटी को टॉप किया है। तो वो अलग अलग जो है विषय में उनकी दीक्षा भी चल रही है और बहुत सारे बच्चे मेरे मास्टर्स को भी क्वालिफाई कर लिए हैं और ख़ास करके योग कला और संगीत की शिक्षा तो मैं खुद PG तक देता हूँ। और अभी तो राजस्थान में मेरे नाम से एक यूनिवर्सिटी भी डेवलप हुई है स्वामी महेश योगी एक्सेलेंसी स्कूल ऑफ योग के नाम से। और उस विश्वविद्यालय में जो है योग की सारी कक्षाएं शुरू हो गई हैं, प्राइमरी बेसिस से लेकर के PhD तक की कक्षाएं चलती हैं। और उन्होंने मेरे विद्यार्थियों के लिए उनको बहुत सुविधा दे रखी है, तो मेरे जो बच्चे होते हैं वहाँ से योग की भी दीक्षा ले लेते हैं। तो इस तरह से उनका पठन पाठन और लोगों के सहयोग से उनका पुरुषार्थ बढ़ रहा है। आपको एक विशेष रुचि संगीत में भी है, कला में तो है ही है और रुचि में संगीत में भी एक काफ़ी रुचि है, तो मैं चाहता हूँ कि दर्शकों के लिए कुछ गुनगुना दीजिए आप। देखिए अभी बात कला पे हो रही है और कलाओं की जागृति, ईश्वर ने कोई भी कृति ऐसी नहीं बनाई जिसमें कला ना हो, बस उस कलाओं को पहचानना होता है और कलाओं को बढ़ाना होता है। हमने बताया कि अगर हमने पाप कर्म किया तो हम पाप आत्मा है, हमारी कलाएं मर जाती हैं, और अगर हमने अच्छा काम किया तो हमारी प्रवृत्ति देव आत्मा में पहुँच जाती है, हम हमारे अंदर दैवीय शक्ति आ जाती है, वो कलाओं की वृद्धि से होती है। तो मैं एक छोटी सी पंक्ति कलाओं पर भी सुनाता हूँ। वृक्षों में होती एक कला दो कला है, कीट पतंगों में पक्षीगण में है तीन कला, यरु चार कला चौपायों में, पांच से लेकर आठ कला मानो गण में दिखलाते हैं, उससे जो ऊपर हो जाए अवतार वही कहलाते हैं। मीन्स ये कि सब में कलाएं होती हैं। अब भगवान राम के पास 14 14 कलाएं थी, 12 12 कलाएं, भगवान कृष्ण के पास 16 कलाएं थी, भगवान विष्णु के पास 64 कलाएं थी, सारी कलाएं उन्हें व्याप्त थी, तो वो परमात्मा कहे जाते हैं। और भगवान राम और कृष्ण तो हमारे इस धरती पर थे, हम जैसे एक मानव थे, लेकिन उनके अंदर दिव्यता इतनी थी, उनके अंदर साधना करने की क्षमता इतनी थी कि उन्होंने बहुत सारी कलाओं को जागृत किया और हमने इसी भूमि पे उनको परमात्मा स्वीकार कर लिया, उनको ईश्वर स्वीकार कर लिया, तो हम उन्हीं के वंशज हैं। वो दिव्यता हमारे अंदर भी छिपी हुई है, उसको सिर्फ जागृत करना है, हमें अपनी उन कलाओं को जागृत करना है, तो निश्चित ही हमारे अंदर वो दिव्यता आएगी और उनकी शक्ति को हमारे अंदर भी धारण करने की क्षमता जागृत होगी और हम उस पद चिन्हों पर चल करके देश के लिए विश्व के लिए आइकॉन बनेंगे। तो उस कला को जागृत करने की जरूरत है। अच्छा रीजन क्या है कि कभी कभी कलाएं जागृत होती हैं और कभी कभी कलाओं को जागृत करना पड़ता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर प्रतिभा है उसे उसकी अनुरूप उसकी कलाओं के प्रति उसको प्रशिक्षण देना, उसको मोटिवेट करना, वो भी एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है। क्योंकि आप श्री राम के अयोध्या से हो तो एक प्रश्न जरूर बनता है कि जब राम मंदिर वहाँ पर बनेगा, इसका ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो क्या माहौल था वहाँ पर? भगवान राम समाज से बहुत ऊपर है, उनका जो स्थान है वो धर्म मजहब पंथ इन सब की बहुत ऊंचाइयों पर है। और भारत जैसे मुझे, मैं चित्रकार भी हूँ, मेरा एक अनुभूति होता, मैंने एक पेंटिंग बनाया द फ्लावर पॉट, वो एक मटके को मैंने देखा, उसे बहुत सारे फ्लावर्स थे, बहुत अलग अलग भांति भांति कलर से खिले, तो वो सबसे सुंदर से हम घर में लगाते हैं फ्लावर पॉट, तो उसे बहुत सारे कलर्स को फूल को डाल देते हैं, तो बहुत सारे जब कलर्स के फूल होते हैं तो उस फ्लावर पॉट की सुंदरता बढ़ जाती है। तो भारत ऐसा ही है मेरा देश, जहाँ बहुत सारे मजहब बहुत सारे धर्म आकर के एक फ्लावर पार्ट में, मतलब मेरी जो भारत है वो एक फ्लावर पार्ट है, उसमें आके समाहित है, उसकी दिव्यता है। तो जब भगवान राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए ऐलान किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो जो दिव्यता एक फ्लावर पार्ट देती है वही दिव्यता हमारे अयोध्या की थी। वहाँ सभी धर्म सभी मजहब ने एक दूसरे के साथ गुलाल खेले, फूलों की वर्षा की, और सहर्ष स्वीकार करने के बाद ये हुआ कि सब लोग सहमति से और सब लोग एकत्र, सारे धर्म के लोग सारे मजहब के लोग एकत्रित होकर के भगवान राम को वहाँ प्रतिष्ठित करेंगे और भव्य मंदिर का निर्माण होगा। क्या मतलब, क्या जबरदस्त माहौल है आपके। बिल्कुल। आप एक किताब भी लिख रहे हो जी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं और बहुत से मेरी बुक्स सिलेबस में भी आगे UGPG NET GRF में चलते हैं। फाइन आर्ट्स, मैंने शुरू में तो फाइन आर्ट्स की बुक लिखता था,
दिव्य भारत गौरव ग्रंथ की मैं बात करता हूँ। अच्छा जी, तो ये सोच कैसे बनाई आपने ये पर्टिकुलर बुक, क्योंकि कुछ विशेष और खास किताब है शायद आपकी। ये मेरी सबसे, ये तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी बुक आने जा रही है, 1100 पेज की बुक है, दिव्य भारत गौरव ग्रंथ। एक्चुअल मेरा मतलब ये है, और मैं बच्चों को भी यही शिक्षा देता हूँ कि आप पुरुषार्थ इतना करिए जो आश्चर्य की सीमा को तोड़ दे, तो वो दूसरों को सोचने के लिए विवश कर देती है और दूसरा जो है उस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। तो ये जो मेरी बुक आ रही है, मैंने इसके पहले पेंटिंग्स किया था, बहुत सारे कई हजार विभूतियों की पेंटिंग्स बनाई। तो मेरे मन में आया कि अगर इन, क्योंकि रीज़न क्या है, आज हमारा समाज जो एक नई समाज आ रही है वो कहीं ना कहीं पुरानी विचारधाराओं से अछूती हो रही है। जैसे मैं अपने आप को महसूस करता हूँ, मैं प्राइमरी बेसिस में नैतिक शिक्षा पढ़ता था, भारत की महान विभूतियाँ पढ़ता था, गौरव गाथा पढ़ता था, वो सब खत्म हो गए। तो हमारे आने वाली पीढ़ी का बच्चा अपने पूर्वजों को कैसे जानेगा, हम अपनी सनातन संस्कृति को कैसे जानेगा, जो सनातन संस्कृति पूरे विश्व को शिक्षा देती थी, जिसके कारण हम विश्व गुरु थे, हम सोने की चिड़िया कहे जाते थे, वो संस्कृति कैसे डेवलप होगी हमारे बच्चों के अंदर, वो संस्कार कहाँ से आएंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि सारे विभूतियों को हम चित्रांकित करें, उनको दिखाएं कि हमारे पूर्वज कितने ऋषि थे हमारे देश में, जो उन्होंने पूरी दुनिया को जगा दिया, कितने महापुरुष थे हमारे देश में, कितने जो है हमारे पैगंबर्स थे जिन्होंने पूरी दुनिया को जगाया, हमने सबका चित्रांकन किया। फिर मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि चित्रांकन तो बना के बच्चा उनको पहचान लेगा, लेकिन पहचान लेने मात्र से जो उसकी पूरी प्रतिभा का विकास नहीं हो सकता। उनके बारे में जब वो अध्ययन करेगा, उनके विचारों के बारे में अध्ययन करेगा, उनको एक प्रेरणा मान लेगा, तो उसके अंदर पुरुषार्थ की एक नई किरण जागृत होगी और नया काम कर सकता है। तो मैंने उनके जीवन चरित्र को लिखना शुरू किया, उससे मैंने बहुत काम किया। जितने मेरे आयुर्वेद के मनीषी हैं, चाहे वो महर्षि पतंजलि रहे हों, चाहे वो बाघभट्ट जी रहे हों, चाहे वो जो है महर्षि जो महेश योगी जी रहे हों, इस सब के व्यक्तित्व को लेकर के मैंने आयुर्वेद की पूरी बुक बनाई। हमारे जितने जो है प्रेरणादायक महापुरुष रहे हैं, चाहे स्वामी विवेकानंद जी हों, चाहे जो है दयानंद जी हों, मैंने इन सब को लेकर के आध्यात्मिक महापुरुषों की एक बुक्स को तैयार किया। मैंने एक बुक बनाया, उसमें सारे छोटे छोटे बच्चों के, जो हमारे देश के बच्चे पुरुषार्थी हुए हैं, चाहे वो एकलव्य हों, चाहे वो भरत हों, चाहे वो प्रहलाद हों, चाहे वो लव और कुश हों, कि बच्चों के अंदर भी पुरुषार्थ की वो क्षमता जागृत, कि मेरे घर में जन्म लेने वाला एक बच्चा जब शेरों का दांत गिन सकता है, मेरे घर में जन्म लेने वाला एक छोटा सा बच्चा दान वीर बन सकता है अंगूठे को दान करके, तो वो धारणा मेरे अंदर क्यों नहीं आ रही है। तो मैंने उनके लिए लिखा, मैंने एक बुक बनाई, अभी सारे जितने भी हमारे देश की जो है महान वीरांगनाएँ हुई हैं, नारियों को जगाने के लिए, कि अपने उन जो है देवियों की शक्तियों को पहचानिए, कि हमारे इसी धरती पे रानी चेन्नम्मा हुई, रानी लक्ष्मीबाई हुई, इसी देवी पे दुर्गा भाभी हुई, वो शक्ति हमारी कहाँ जा रही है, तो हमें उस शक्ति को धारण करना है, तो उनके पद चिन्हों पर चलना होगा, उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानना होगा, उनके आदर्शों को मानना होगा, और उनकी शक्ति से स्वयं में अपने अंदर उस ऊर्जा को धारण करके शक्तिमान बनना होगा, तभी हम सच्चे पुरुषार्थी होंगे और तभी हमारा जो है देश विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। तो इन्हीं उद्देश्यों को मैंने तमाम बुक्स लिखी, लेकिन ये थोड़ा सा खास इसलिए हुआ क्योंकि इसे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड ने जो है अपने में सम्मिलित करने के लिए किया, क्योंकि ये 1100 पेज की बुक्स है, और मैंने इसको दिया कि जैसे हम हमारे देश की सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न होता है, तो मैंने इसलिए लिखा कि भारत में जन्म लेने वाला बच्चा जो हमारा एक आने वाला एक पीढ़ी है, जो राष्ट्र का निर्माण करेगा, जो राष्ट्र के लिए बड़ा पुरुषार्थी होगा, तो वो अगर भारत रत्न के बारे में जानता है कि भारत रत्न कैसे मिलता है, किसको मिलता है, तो उससे वो प्रेरणा लेगा, और जब उनसे वो प्रेरणा लेगा तो निश्चित ही वो एक सफल पुरुषार्थी होगा। तो ये जो मेरी बुक आ रही है, मैंने सभी भारत रत्न, जितने भारत में 48 लोगों को अभी तक भारत रत्न दिया गया है, 12 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिली है भारत से, और जितने भी हमारे राष्ट्रपति हुई हैं, प्रधानमंत्री हुई हैं, सबकी इसमें बायोग्राफी है, कुल 113 लोगों की बायोग्राफी और एक ये 1100 पन्ने की बुक तैयार हो रही है। बहुत ज़बरदस्त काम है। तो इसमें कई चीज़ें छुपी हुई हैं, एक तो ये कि इससे हमारे विद्यार्थियों को, हमारे युवाओं को प्रेरणा मिलेगा, दूसरा उनके बारे में जानकारी मिलेगी, उनके वो पदचिन्हों पर चल करके अपने रास्ते को जो है प्रशस्त कर सकता है, और उसके अंदर जो है एक विल पावर आएगा, वो अपनी शक्ति को पहचानेगा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानेगा, तो निश्चित ही उसके अंदर वो ऊर्जा भर जाएगी
उसके शरीर वो ऊर्जा धारण कर लेगी जो कुछ एक जो है आध्यात्मिक या जो है समाज सेवी धाराओं को लेकर के एक नई क्रांति पैदा कर देगा। आज आप दिव्यांग स्टूडियो में आए, दिव्यांग की संस्था में आए, कनुभाई से मिले, आप बच्चों से मिले, तो कैसा लगा आपको, क्या अनुभूति हुई आपको? मैं नमन करता हूँ आदरणीय कन्नू भाई जी को कि आज मैं मुझे उनकी स्टूडियो में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि मैं जो इस जिस भूमि पे आज बैठा हूँ ये देवभूमि है। यहाँ ईश्वरीय सत्ता व्याप्त होती है। जहाँ पे ईश्वर की जो है पॉजिटिव वाइब्रेट पहुँचते हैं वहीं पे कोई दिव्य काम होता है, और उस दिव्यता के रूप में मैंने आज आदरणीय कन्नू भाई जी को देखा। मैं इसलिए उनके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ कि उन्होंने जो दिव्यांग की परिभाषा थी उसको चरितार्थ किया है और उसे पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है। आज उन्होंने जो एक आज मुझे बहुत अच्छा इस लग रहा है कि मैं सूरत की धरती पर हूँ और सूरत में कोई भी दिव्यांग बच्चा नहीं है जो कहीं बाहर किसी भी अवस्था में पड़ा हो। और हर्ष की बात तो यह है कि केवल सूरत ही नहीं, आपने पूरे भारत को कवर किया और पूरे विश्व को जो है अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है। तो ये धारणा शक्ति उनकी इतनी प्रबल है, और ये इतनी प्रबलता किसी नॉर्मल आत्मा में नहीं हो सकती। वो एक दिव्य आत्मा है। मैं उनके पुरुषार्थ को बारम्बार नमन करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनका पुरुषार्थ ऐसे ही सदैव जीवांत रहे, यह हम सभी के बीच में हमेशा प्रेरणादायी बने। और जितने भी यहाँ बच्चे उनके सानिध्य में जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, मैंने तो आज देखा, मैं तो बिल्कुल, मेरे पास भी उस तरह से बच्चे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा तो उस पर चकित होने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि जिस बच्चे के पास दोनों हाथ नहीं है इतनी अच्छी लेखन है, जिसके पास दोनों पैर नहीं इतना अच्छा नृत्य है, तो इसे अद्भुत 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 ही कहा जा सकता है। और ये बच्चे आगे चल करके समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए प्रेरणादायी बनेंगे, और यही हमारे भारत की पुरुषार्थ है, यही हमारे भारत की शक्ति है जिसे पूरी दुनिया ने स्वीकारा था और स्वीकार करती रहेगी। क्योंकि जब तक हमारे इस धरती पर आदरणीय कन्नू जी भाई जैसे लोग हैं तो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के संस्कार, भारत की ज्ञान परम्परा सदैव अडिग रहेगी और पूरे विश्व को एक नया संदेश देती रहेगी। अंत में मेरा एक छोटा सा सवाल कि दिव्यांगजनों को आपकी ओर से एक संदेश। मैं यही मानता हूँ कि शारीरिक विक्षिप्तता कोई दिव्यांग जो है विकलांगता नहीं होती। हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, और अगर हम समाज को कुछ दे नहीं सकते हैं, समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, तो मैं विकलांग हूँ। और अगर मैंने कुछ दिया समाज को, आज जो हमारे हमने जो है यहाँ सैकड़ों बच्चों को देखा हर एक क्लासों में अध्ययन करते हुए, उनके अंदर इतनी प्रतिभा है, इतनी ऊर्जा भरी हुई है कि वो दूसरे को सोचने में विवश कर दे रहे हैं। मुझे अगर नृत्य नहीं आता है और जिसके पास दोनों पैर नहीं बच्चे को वो नृत्य कर रहा है, तो मुझे सोचने विवश कर दिया, विकलांग मैं वहाँ हो गया और वो एक दिव्य आत्मा हो गया। तो जो बच्चे हमारे इस तरह से हैं उन्हें उनके जीवन में शारीरिक दिव्यांगता कोई मायने नहीं रखती है, उनका मस्तिष्क दिव्य है और वो सदैव दिव्य रहेंगे, और वो हम जैसे मानव के लिए जो कोई कुछ नहीं कर सकते हैं उनकी वो प्रेरणा है। हमें उनसे जो है हमारे समाज को उनसे प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, और वो आइकान इसलिए होंगी क्योंकि समाज को सोचने में विवश कर देते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मैं नहीं कर पा रहा, वो कर रहा है व्यक्ति, वो एक दिव्यांग होने के बावजूद, तो मुझे भी वो शक्ति धारण करनी है, और वो भी उनसे प्रेरणा लेता है, इंस्पिरेशन लेता है और उस पद चिन्हों पर चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, और हमारे देश में एक ऐसी ऊर्जा है। हमने मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊं अष्टावक्र जी का। हम अवध की धरती से हैं, अयोध्या में इनके जो है अयोध्या के बाद बताऊँ, जो ये महाराजा जनक के दरबार में एक बार जो है उनका एक संत थे, उनके गुरु थे उनके महाराजा जनक के, उन्होंने एक वो रखा प्रस्ताव कि जो भी मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं हार जाऊंगा और मैं आत्महत्या कर लेता हूँ उसी समय, जैसे हार जाऊंगा, अगर नहीं कोई हरा पाता है तो उसको हम बंदी बना लेंगे। नाम उसका बंदी ऋषि था, बंदी संत थे वो। उसके बाद जो है एक कोहण ऋषि थे, वो गए शास्त्रार्थ में तो हार गए। उनके पुत्र थे अष्टावक्र जी,
अष्टावक्र जी 8 अंगों से टेढ़े थे, क्यों? क्योंकि शारीरिक विकलांगता उनकी इसलिए आई जब वो गर्भ में थे, तो ऋषि कुंवर जी कुछ अपनी जो है अस्तुति कर रहे थे, तो उनके अस्तुतियों में श्लोकों में कुछ त्रुटियां आई, तो उन्होंने गर्भ से ही टोक दिया, तो 8 बार टोका, 8वीं बार में उन्होंने सुना तो उन्होंने श्राप दे दिया कि मेरे पूजा में विघ्न किसने डाला, मैं उसे श्राप देता हूँ जितनी बार बोला उतने अंगों से टेढ़ा हो जाए। अच्छा। अष्टावक्र जी टेढ़े हो गए, लेकिन वो इतनी बड़ी उनकी शक्ति थी धारण करने की शक्ति ज्ञान को, जब वो बड़े हुए तो बंदी ऋषि को उदाहरण देने के लिए पहुंच गए, तो जब वहां उनके दरबार में पहुंचते हैं तो लोग हंस पड़ते हैं उन पे। तो उन्होंने कहा अष्टावक्र जी ने, महाराज आप अपने इस सभा में बैठे सभी मूर्खों की हंसी को बंद कराइए। जनक जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, जनक जी ने कहा, और सारे जो है जितने वहां पे ऋषि संत बैठे सब भड़क भड़क पड़े कि हमको मूर्ख कह दिया इन्होंने। तो राजा ने इसका आशय पूछा, तो उन्होंने कहा कि बताइए आप कि आप मेरे शरीर को मानते हैं कि मेरी आत्मा को मानते हैं। तो कहे वो सब सन्न हुए, शरीर और आत्मा क्या है? तो उन्होंने कहा जो आत्मा मेरे अंदर व्याप्त है वो परमात्मा का एक पुंज है, अगर आप मेरी आत्मा पे हंस रहे हैं तो आप परमात्मा पे हंस रहे हैं। तो मेरे अगर मेरे शरीर को देख करके हंस रहे हैं तो आप परमात्मा की बनाई हुई कृति का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने मुझे बनाया है, या तो आप परमात्मा की कृति पे अपमान कर रहे हैं या तो आप परमात्मा पे हंस रहे हैं। सब चुप हो गए। उसके बाद शास्त्रार्थ में जो है बंदी ऋषि हार जाते हैं, तो उसके बाद जो है राजा जनक अष्टावक्र जी को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। तो मेरा मतलब यही है कि शारीरिक विक्षिप्तता ये नथिंग होती है, क्योंकि जब हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण में आते हैं, ध्यान के दृष्टिकोण में आते हैं, तो हमारा सारा कंसंट्रेशन हमारे आज्ञा चक्र में हमारे मस्तिष्क में हो जाता है, और जिसका मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है, विल पावर मजबूत हो जाते हैं, उसके लिए शरीर कोई मायने नहीं रखती है, और उसके एक एक वाक्य, एक एक बिंदु, एक एक जो है चलने वाले रास्तों के पदचिन्ह प्रेरणादायी हो जाते हैं। खूब खूब धन्यवाद। तो दर्शक मित्र, हमारे साथ आज मुलाकात के कार्यक्रम में स्वामी महेश योगी जो अयोध्या से पधारे हैं वो उपस्थित थे, काफ़ी कुछ उनसे बातचीत की, काफ़ी कुछ समझा उनसे, तो धन्यवाद करेंगे हम दिव्यांग चैनल की ओर से, और दोबारा उपस्थित होंगे एक विशेष व्यक्ति के साथ हमारे अगले मुलाकात कार्यक्रम में। नमस्कार।